जीवित है जीवित है मेरा छोड़ाने वाला जीवित है संदेह नहीं है संदेह नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है संदेह नहीं है संदेह नहीं है, संदे नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला दलदल दल की से मुझे उबारा सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला दलदल दल की से मुझे उबारा इसमें कोई संदेह नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है हालेलुया जेम्ससी की सबको प्रेज द लॉर्ड सचमुच में हमारा जीवित खुदा अभी भी जीवित है वो उस कल जैसे हमने उस गुड फ्राइडे की सर्विस को किया गुड फ्राइडे को हमने गुड फ्राइडे में चर्च को अटेंड किया और सात वाणियों को सुना ऐसा नहीं कि वो हर साल उस चुली पे चढ़ाया जाता लेकिन वो एक बार चढ़ाया गया और उसके बाद तीसरे दिन जी उठा वो आज भी जीवित है और वो आज भी हमारे जीवन में कर्मों को करता है वो सचमुच में जीवित खुदा है और हमें इसके लिए कोई भी संदेह नहीं है वो हमें हर एक परेशानियों से बचाता है क्योंकि वो हमारे साथ आज भी खड़ा हुआ है वो हमें हमें आज भी सुनने को तैयार है वो हमारी परेशानियों को आज भी सुनता है आज सुबह के मन मनन के लिए मैं आपका ध्यान भजन 40 चालीस एक और दो यहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ और हम उसे पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है धीरज से यौवा की बाट जोता रहे और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी उसने मुझे सत्यनाश के गड्ढे और दलदल की चीज से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैर को दृढ़ किया है आज मैं आपका ध्यान इस बाइबल वर्स की ओर लेकर जाना चाहता हूं और जो टॉपिक मैंने आज लिया हुआ वो यह है कि जब जिंदगी आपको पीछे खींच रही हो तो आप एक बात ये समझ लें कि आप बहुत तेजी से आगे जाने वाले हैं pulling you back, know that you are about to go far ahead. बहुत आगे आप जाने वाले हैं जब हम अपनी लाइफ में फील करने लगे कि मेरी लाइफ में अब कुछ भी नहीं रह गया है मेरी लाइफ में जो कुछ भी था सब कुछ खत्म सा हो गया है जैसा हमने वर्ड्स में पढ़ा वो हमें सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल की से में से उभारने वाला खुदा है जब आपको लग रहा है कि सब कुछ मेरे लाइफ में सत्यनाश हो गया है कुछ भी मेरी लाइफ में बचा नहीं है आज एक चीज आप ध्यान रखें अगर आपने उस कैटरपुलट को देखा हो जैसे हम गुलेल भी कहते हैं जब आप निशाना किसी भी चीज में उससे लगाना चाहते हैं आपको उसको जब तक आप उसे पीछे ऐसे खींचेंगे नहीं स्ट्रेच नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं जाएगी आपकी लाइफ में अगर लगे आपको कि आप, आप कोई बात में पीछे जा रहे हैं या आपकी सारी चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो गई है आपके पास हर एक वो चीज थी लेकिन वो हर चीज आपके पास से खत्म हो गई और आप अपने लाइफ में पीछे जाने लगे आप एक बात ध्यान रखें वो आपको उस गुलेल की तरह लोड कर रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आगे और अपने मुकाम पर पहुंच पाए अगर आप कभी कार में बैठे हो या अगर आपने कभी कार ड्राइव करी हो तो कभी आप अगर कोई गलत रास्ते पर चले जाए तो जब तक आप उसमें रिवर्स गेस नहीं लगाएंगे तब तक आप उसमें सही रास्ते पर और एक वो रास्ता नहीं पकड़ सकते कि जहां पर आप जाने वाले थे या आपका मुकाम है आपको उसमें रिवर्स गियर लगाना ही पड़ेगा अगर आप गलत रास्ते पर चले गए कभी कभी हम उस सही रास्ते पर आने के लिए रिवर्स गेस हमें लगाना ही पड़ता है ताकि हम और तेजी से उस मुकाम पर पहुंच पाए या हमारा डायरेक्शन जो है वो करेक्ट हो पाए यीशु हमें उस सत्यनाश के गड्ढे से निकालना चाहते हैं उसके लिए हमें उस धीरज को रखना होगा उसकी बाट को जोते रहना होगा उसके नाम को धन्य कहते रहना होगा और धन्य क्यों कहना है क्योंकि हम उसके उस शब्दों को हमने कल ही सुना उस क्रूज पर से उसने जो हमारे हमारे लिए कहे उसने उस सेक्रीफाइस को हमारे लिए जो सहा ताकि हम बचा लिए जाए ताकि हम बचा लिए जाएं और उसकी आशीषों को हम अपने जीवन में पाते रहें। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमें उसकी बाट, जोना है। पर हमें उसकी बाट क्यों जोना है हमें इसका महत्व पता होना चाहिए कि हम उसकी बाट को क्यों जो रहे हैं और वो हमें हमारे हर कष्टों से निकालकर उस चट्टान पर खड़ा कर देता है जहां आप ऐसी जगह होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कभी वो हमें उस मुकाम पर लाना जानता है जहां हम चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमें उसकी बाट निरंतर जोते रहना रहना पड़ेगा उसके नाम को निरंतर धन्य कहते रहना पड़ेगा अगर आप अपने आप को उस दलदल में फंसा हुआ पा रहे हैं दलदल से या आप कोई कितने भी हाथ पैर मार रहे हैं उस दलदल में लेकिन आप और परिस्थितियों में फंसते चले जा रहे हैं या अंदर धसते हुए जा रहे हैं चाहे वो दलदल आपके कर्ज के कारण हो या आपकी कोई बीमारी के कारण हो या एक्सवाइज कुछ भी हो किसी भी चीज के कारण हो आप उस परिस्थितियों में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जितने भी हाथ पांव मार रहा हूँ मैं उसके अंदर ही दस्ता चला जा रहा हूँ आज मैं आपको ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी आशा दिलाना चाहता हूँ कि हमारा यीशु वो क्रूस पर चढ़कर मर गया और उस बार उस क्रूज पर वो चढ़कर मरने के बाद विलुप्त तो नहीं हो गया वो क्रूज पर चढ़ने के बाद उस तीसरे दिन जी भी उठा है। और वो आज भी हमारे साथ है कि वो हमारी दुहाई को सुनता है वो हमारी बट हमें ऐसी परिस्थिति में हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है लेकिन हमें इतमान से यीशु को पुकारने की जरूरत है आप चाहे हर चीज अपनी लाइफ में हर एक चीज अपनी लाइफ में जो देखते हो उसको खोने के बाद या कोई ऐसी परिस्थितियों में आने के बाद टूट से गए हो आप अपने आप को उस सत्यनाश के गड्ढे में पा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अब मेरे पास से सब चला गया आप अपने आप को उस दलदल की कीच में फंसा हुआ पा रहे हो लेकिन उस यीशु को पुकारने वो आपको उस चट्टान पर खड़े करने को तैयार है जहां से आप उस मुकाम पर रहेंगे कि आपसे ऊपर कोई भी नहीं होगा अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में आप पीछे जाते जा रहे हैं जो कुछ भी आपके पास था आज वो सब कुछ खत्म हो गया है या जो भी चीजें थी आपके पास आज वो कुछ भी आपके पास नहीं रही आप जहां से आपने स्टार्ट किया था आप उससे भी और पीछे चले गए अगर आपको आज ऐसा लग रहा है मैं आपको आज आशा दिलाना चाहता हूं कि प्रभु सॉरी प्रभु को आप ऐसे समय में पुकारें आप उसकी ओर अपनी दुहाई को लगाए आप उसको उसकी ओर निहारे वो आपको बहुत जल्द ऐसे मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर देगा कि जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपको ऐसी चट्टान पर ले जाकर खड़ा कर देगा कि ऐसी ऊंचाई आपने कभी देखी नहीं होगी अपनी लाइफ में आज सुबह मैं आपको सिर्फ यही वर्ड यही वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर आप जिंदगी में आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पीछे चले गए हैं या अपनी लाइफ में बहुत ही पीछे चले गए एक बात जरूर ध्यान रखें कि आप उतनी ही तेजी से आगे जाने वाले हैं सिर्फ आपको हर एक परिस्थितियों में हर एक परेशानियों में यीशु को पुकारते रहना है प्रभु की बाट को जोते रहना है और अंत तक विश्वास योग बने रहना है हमें अपना विश्वास उस पर दृढ़ रखना है और एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि द बेस्ट इज येट टू कम एक बहुत अच्छा समय हमारे जीवन में आने वाला है बहुत जल्द हमारे जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है लेकिन हमारा भरोसा हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ यीशु पर बना रहे आज मैं इसी वर्ड से आपको इनकरेज करना चाहता था और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने ये वर्ड को समझा है और इसे आप अपने जीवन में पालन करेंगे आई एम छोटी सी प्रार्थना करें प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के दिन लिए राजा प्रभु धन्यवाद देता हूँ आपके सुंदर कलामों के लिए प्रभु जी जीवित वचनों के लिए प्रभु जो हमें बूस्टअप करते हैं प्रभु हमें एनर्जी देते हैं राजा प्रभु हमें हमारी परिस्थितियों से लड़ने में प्रभु जी सहायता और मदद करते हैं राजा प्रभु आज हर एक ऐसा व्यक्ति प्रभु जी जो अपने जीवन में ऐसा सोच रहा है कि मैं बहुत पीछे चला गया हूँ या मैं ऐसी परिस्थितियों में क्यों मैं उससे बाहर नहीं आ सकता हूँ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु जी वो आपके कलाम को प्रभु जी जानने पाए राजा प्रभु जी वो आपकी बाट को जो नहीं पाए राजा प्रभु आपको निहारने पाए प्रभु आपको पुकारने पाए क्योंकि प्रभु जी हमें पता है प्रभु जी आप आज भी जीवित है प्रभु और हमारी बातों को सुनते हैं प्रभु जी और हमारे हमें उसका उत्तर भी देते हैं प्रभु प्रभु हर एक वो व्यक्ति प्रभु जी जो अपने परिस्थितियों में अपने आप को फंसा हुआ पा रहा है प्रभु जी उस दलदल की कीच में फंसा हुआ पा रहा है प्रभु जी मैं प्रार्थना करता प्रभु आप हर एक को उस परिस्थितियों से निकाल कर प्रभु जी उस चट्टान पर खड़ा करने जा रहे हैं प्रभु ये मेरा विश्वास है राजा ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आप प्रभु जी बेस्ट से बेस्ट देने वाले खुदा है राजा और आप देकर ही रहेंगे प्रभु जी हमारा विश्वास है राजा आज दिन भर के हर एक कार्यों में प्रभु जी आप सब को ब्लेस करिएगा राजा प्रभु धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से प्रभु जी आपके कलाम के लिए राजा प्रभु जी आपके प्रेम के लिए राजा प्रभु आपकी दया के लिए राजा मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमिन आमिन सभी को जय मसी की